डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। और आज की जो स्टोरी है वो क्लास टेंथ की सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, इसके बारे में ये स्टोरी है। और स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने बचपन में कहानियों में सुना होगा सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, उनके न्याय के बारे में, और सुना होगा कि वे कितने न्यायप्रिय थे, तो उन्हीं से संबंधित ये स्टोरी है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे उनका जो न्याय सिंहासन था वो इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। और इतना ही नहीं, इनके नाम से ही विक्रम संवत का आरंभ भी हुआ था। यद्यपि इनका नाम इतना प्रसिद्ध है तो भी हम इनके बारे में बहुत कम निश्चित रूप से ही जानते हैं। एक बात निश्चित है कि वे न्याय व विद्या से बहुत उनको लगाव था, यानी न्याय प्रिय थे और विद्या प्रेमी थे। वे अपनी जनता को पूरा न्याय देते थे और अपने दरबार में उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे विद्वान इकट्ठे कर रखे थे। उन्होंने कभी किसी आदमी को, यानी किसी व्यक्ति को कभी भी कोई गलत निर्णय पूर्वक दंड नहीं दिया। अपराधी लोग उनके सामने आने से कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि जो उनकी आंखें हैं, अब इतनी तेज उनका दिमाग था कि अपराधी ये चीज़ जानते थे कि उनकी जो आंखें हैं वो सीधे उनके अपराध को ही देखेंगी। तो जो लोग उनके पास कठिन समस्याओं के साथ आते थे वे हमेशा उनकी समस्याओं का हल कर देते थे। तो हमेशा उनके साथ न्याय होता था और वे लोग उनसे संतुष्ट हो जाते थे। इसलिए उनके बाद भारत में जब कभी कोई भी न्यायाधीश अत्यंत चतुराई के साथ न्याय करता तो उसके बारे में यही कहा जाता था कि अरे जरूर ही यह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठा होगा। तो क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि अब वह सिंहासन कहीं पर है ही नहीं, यानी धरती पर वो मौजूद ही नहीं है। अब कहानी में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो न्याय सिंहासन गायब हुआ इस धरती से। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग समय के प्रवाह के साथ साथ विक्रमादित्य को भूल गए और उनका महल और उनका किला ये सब टूट फूट के खंडर में तब्दील हो गए। वहाँ घास, मिट्टी, वृक्षों से जो ढके हुए खंडर थे वो ढेर में तब्दील हो गए थे और वहाँ अब केवल जानवर ही चरते थे, यानी जो चारागाह बन चुका था तो जानवर चराने के लिए जो ग्वाले वगैरह होते थे वहाँ अपने जानवरों को लेकर आते थे। तो गांव के लोग गायों को, अपने अन्य जानवरों को, सबको वहाँ लेकर आया करते थे। तो सुबह के समय, बड़े तड़के ही सुबह, लड़कों की देखरेख में पशु वहाँ आते थे, चरते थे और शाम को सभी वापस लौटते थे। और जब लौटने का समय होता था, जब गाय वगैरह चर लेती थी, जब लौटने का समय होता था तो उस समय क्या होता था, एक कोई चरवाहा चारागाह के बिल्कुल छोर में खड़ा होकर आवाज़ लगाता था तो सभी जानवर इकट्ठे अपने अपने चरवाहों के आसपास इकट्ठे हो जाते थे और फिर वे सभी घर लौटते थे। तो एक दिन क्या होता है, सब चरवाहों ने खेलने के लिए एक मैदान तलाश लिया जो बड़ा सुखमय था और नीचे का वह मैदान उबड़ खाबड़ था। वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के किनारे ऊपर को निकले हुए थे, कहने का मतलब है पत्थर की नौके निकली हुई थी और बीच में वहाँ एक हरा भरा टीला भी था, यानी उसके ऊपर घास लगी हुई थी। और जो वो टीला था वो कुछ कुछ न्यायाधीश के आसन की तरह, अर्थात न्याय सिंहासन की तरह लगता था। और एक लड़के ने वहाँ ये सोचा कि ये कोई सीट है बैठने लायक, तो वह क्या होता है उस सीट पर बैठ जाता है। और वो अपने सभी दोस्तों से, जो अन्य चरवाहे होते हैं, उनसे कहता है, चिल्लाकर कहता है कि अब मैं न्यायाधीश हूँ, अब मैं तुम्हारे सारे मुकदमों की सुनवाई करूँगा। और फिर जैसे ही वह उस पर बैठता है तो क्या होता है, वह अपना सीधा चेहरा सीधा कर लेता है और न्यायाधीश का कार्य करने के लिए बिल्कुल गंभीर बन जाता है। कहने का मतलब है जैसे ही वो उस पर बैठता है तो एक उसमें गंभीरता आ जाती है। तभी दूसरे लड़के इस खेल को देख लेते हैं, यानी जो अन्य लड़के हैं ये सब देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हुए तुरंत ही कोई झगड़ा कर लेते हैं और उस लड़के के सामने जो उस टीले पर बैठ गया होता है, हालांकि उसको पता नहीं होता है कि ये सिंहासन है, तो उस पर जब वो बैठ गया होता है तो उसके पास वो अपना झगड़ा लाते हैं। तो
उस पर बैठने का प्रभाव ये होता है कि वो उनके उस झगड़े का निर्णय कर देता है और सभी को संतुष्ट कर देता है। अब उस झगड़े में होता क्या है, एक बच्चा, एक टोली जो होती है, एक समूह जो होता है, वो कहता है कि फलाना खेत उनका है और दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। इस प्रकार से ये झगड़ा होता है, तो सभी को वो संतुष्ट कर देता है अपने न्याय से। तो फिर बाग क्या होता है, वही लड़का जो स्टूल टीले पर बैठा होता है, पहले वो एक साधारण सा दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा, और जब वो टीले पर बैठता है तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे वो बिल्कुल बदल गया हो, गंभीर हो जाता है, उसका स्वर बदल जाता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, सब विचित्र हो जाते हैं और उसका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो हो जाता है। और इतना प्रभावशाली हो जाता है कि शेष जो लड़के होते हैं, जो उसके सामने जो अपनी अपनी सुनवाई के लिए अपना अपना झगड़ा लेकर आते हैं, वे सभी भयभीत हो जाते हैं उसको देखकर। और वे तो केवल, हालांकि बच्चे तो केवल यही सोचते हैं कि ये केवल एक मजाक है, वे लोग एक मजाक कर रहे, खेल खेल रहे, लेकिन वास्तव में उस बच्चे में एक विशेष क्वालिटी आ जाती है। अब यह सब उनका जो खेल है वो घंटों तक चलता रहता है, और तब तक चलता है जब तक लौटने का समय नहीं हो जाता। फिर वो बच्चा उस सीट से उतरता है, उस सिंहासन से और उस टीले से, और उतरकर फिर वो उन सामान्य लड़कों की भांति हो जाता है, उसे उतरते ही। अब जब से ये घटना होती है, तब से वो जो चरवाहा है, जो सीट पर बैठा था, वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो सभी जितने भी पेचीदे झगड़े होते हैं, उन सभी को निपटा देता है और न्याय करता है। तो ज्ञान व न्याय की आत्मा क्योंकि उसमें प्रवेश कर जाती है, यानी अब ज्ञान और न्याय की आत्मा कहने का मतलब है विक्रमादित्य की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, और उसके प्रभाव से वो अच्छे अच्छे निर्णय देने लगता है, और सत्य के दर्शन वो आत्मा उसको कराती है। और जैसे ही वो नीचे आ जाता है तो फिर वो साधारण हो जाता है। अब धीरे धीरे उसके इस न्याय का समाचार पूरे गांव में फैल गया होता है, और फिर गांव वाले भी अपनी अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं, और वो इस प्रकार से सभी को संतुष्ट कर देता है। तो अब यही समाचार उज्जैन के राजा तक, जो वहां से दूर रहते हैं, उन तक पहुंचता है। तो उज्जैन का राजा जब ये कथा सुनता है तो वह कहता है कि निश्चित ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ गया होगा। तो राजा भी ये अनुमान जब लगाता है ऐसा, तो राजा का अनुमान जो है वो ठीक निकलता है, क्योंकि उस घास फूस वाले मैदान के आसपास जो क्षेत्र था पूरा, जो खंडर में तब्दील था, जो चारागाह में प्रयोग किया जा रहा था चारागाह के रूप में, और ग्वाले वगैरह उधर अपनी गाय वगैरह और बकरियां और भैंस वगैरह चराते थे, तो उस जगह वो खंडर था और वहां पहले कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। तो राजा को ये पूरा अनुमान हो जाता है कि हो सकता है ये लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ जाता है। तो राजा उस टीले को खुदवाने का सोचता है, तो अपने सैनिकों को, कुछ साथियों को लेकर वो जाता है वहां खुदाई करने। तो अब क्या होता है कि गहराई से खुदाई होती है और उस न्याय सिंहासन को निकाला जाता है। अब जो लड़का, अब फावड़े और कुदाल लेकर जो लोग आते हैं वो न्याय सिंहासन निकालते हैं। तो राजा की चूंकि वहां ये इच्छा होती है कि अगर ये निकल आएगा तो मैं भी विक्रमादित्य के समान एक प्रिय राजा बन जाऊंगा, न्यायप्रिय बन जाऊंगा। लेकिन जो बच्चा होता है, जो उस पर बैठकर न्याय करता होता है, उसको इन सब चीजों को देखकर बहुत बुरा लगता है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अब अंत में मजदूरों को कोई वस्तु खुदाई में मिलती है, यानी वो सिंहासन मिलता है। उसमें होता कैसा है, वे क्या देखते हैं, काले पत्थर की एक पाटी निकलती है कि जिसमें 25 पाषाण यानी पत्थर के देवदूत बने होते हैं, जो अपने पंखों पर उस सिंहासन को उठाए होते हैं। तो इससे ये पता चलता है, जब उस सिंहासन को देखते हैं जिसमें 25 देवदूत उस सिंहासन को उठाए रहते हैं, तो सभी लोग जब देखते हैं तो ये अनुमान राजा का सही होता है कि ये सिंहासन जो है, ये जो सीट जो है, ये जो पटिया है, वो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है। अब राजा सोचता है कि क्यों ना मैं अपने इस न्याय सिंहासन पर तभी बैठूं जब मैं एक बड़े समारोह का आयोजन करूं और पूरी जनता के सामने मैं न्याय सिंहासन पर बैठूं। तो इसके लिए राजा एक फंक्शन यानी आयोजन, एक समारोह आयोजन करने की सोचता है, और वो अपनी पूरी प्रजा को आदेश दे देता है कि सभी लोग 3 दिन तक पूजा और व्रत रखेंगे, और फिर शुद्धिकरण के बाद इसमें अंततः राजा किसी शुभ मुहूर्त में उस पर, उस सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। तो ये जो व्यवस्था होती है, 3 दिन बाद जब ये व्यवस्था होनी होती है, तो एक लंबा हॉल होता है जहाँ वो सिंहासन रखा जाता है। तो राजा,
राजा के साथ जो अन्य न्यायाधीश पुजारी वगैरह होते हैं सब लोग आते हैं, सब लोग पीछे पीछे चलते हैं, राजा उनके ठीक मध्य में चलता है न्याय सिंहासन की ओर। और जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने की सोचता है तभी उनमें से एक जो देवदूत होता है, जो पत्थर का जो देवदूत 25 में से एक जो होता है, वो राजा से कहता है और पूछता है कि आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठने के योग्य हैं? क्या आपने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की कामना नहीं की जो आपके नहीं थे? तो राजा ऐसा सुनकर, जब ये प्रश्न सुनता है तो राजा मौन हो जाता है, उसको कोई उत्तर नहीं सूझता, क्योंकि हमेशा उसका जीवन अन्याय से भरा रहा और उसने दूसरों की राज्यों को हड़पने की कोशिश की। तो बहुत लंबी एक खामोशी के बाद वो जो राजा होता है वो कहता है, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। तब वो देवदूत कहता है कि अब तुम जाओ और फिर 3 दिन तक व्रत और उपवास करो और अपने आप को पवित्र करो, और शुद्धिकरण करने के पश्चात फिर आना और फिर बैठने की इस पर कोशिश करना। तो ऐसा कहकर वो पहला देवदूत आकाश में अपने पंख फैलाता है, यानी पंख फैलाता है और आकाश में उड़ जाता है। अब जब भी राजा शुद्धिकरण करके, यानी व्रत पूजा वगैरह करके वापस जब भी आता है, तब ही कोई ना कोई एक दूत देवदूत उससे उसकी योग्यता का प्रश्न करता है, पूछता है क्या वो योग्य है। तो बार बार राजा मना कर देता है, और धीरे धीरे एक एक देवदूत जब राजा को अयोग्य पाते हैं उस सिंहासन पर ना बैठने के, तो एक एक देवदूत आकाश में उड़ जाता है वो। अब अंत में जब एक देवदूत बचता है तो राजा को ये लगता है कि अब तो मैं शायद इस सिंहासन के योग्य हूँ। तो ऐसा सोचकर राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन को ग्रहण करने के लिए, अर्थात उस पर बैठने के लिए, जैसे ही राजा आता है तो जो अंतिम देवदूत होता है वो बोल पड़ता है। वो क्या कहता है राजा से, हे राजन, क्या आप अपने हृदय में पूर्णतया पवित्र हैं? क्या आपका हृदय एक बालक के हृदय के समान पवित्र है? यदि ऐसा है तो आप वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। अब जैसे ही राजा इतना स्वर सुनता है उस देवदूत का, अंतिम देवदूत का, तो राजा बड़े धीमे स्वर में बोलता है, नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। और जैसे ही देवदूत इतने शब्दों को सुनता है तो वह देवदूत उस सिंहासन को अपने सिर पर धारण करके आकाश की तरफ उड़ जाता है। तो इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस धरती से सदा के लिए स्वर्ग चला जाता है, यहाँ से धरती से विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है वो यही समाप्त होती है। आशा है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी ये कैसी लगी। आगे इसी तरह के वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।